कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए। करीब से करीब हो तू यूं मेरा नसीब हो, जो हो मिलना ये जाने क्या मेरी जरूरत है, आंख भर के देख लूं तुझको बस यही मोहब्बत है। तेरा मेरा साथ जो होगा कितनी चाहते होंगे। तुम तो ज़ारा पे जान देते थे, ज़ारा अगर इस घर में आ जाती तो मुझे और मेरे बच्चों को कोने में फेंक देते। और ये तुम्हारा भाई दिमागी मरीज, कारोबार क्या संभाल, सब कुछ था ना सोहेल के नाम पर, लेकिन कैसे संभाला तुमने संभाला। मैं नहीं चाहती थी कि ज़ारा की शादी तुमसे हो जाए और वो तुम्हें अपनी मुट्ठी में कर ले। आपको इतना भी भरोसा नहीं था मुझ पर। अगर मैं इस लड़की का इस्तेमाल ना करती तो तुम फेर लेते आंखें। और ये तुम्हारा भाई, ये इस घर को, मुझे और बच्चों को कभी भी नहीं संभाल सकता था। और अगर फलक का बच्चा हो जाता ना तो ये तो इस घर की मालकिन बन जाती। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं रहती इस घर में। ये बात मैं मरते दम तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर मैं तुम्हें मुट्ठी में करने की कोशिश ना करती ना तो सुहेल ना बच्चों को संभाल सकता था, ना मुझे, और ना ही घर को। मुझे उसी पुराने घर में रहना पड़ता। और मैं अपने बच्चों को वो जिंदगी नहीं देना चाहती थी। कहीं जा रहे हैं आप? क्या सोचा आपने तैमूर? किस बारे में? यही कि कहीं जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, काम के बारे में। पहले तो मैंने बड़ा सोचा कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं, या तो तुमको लेके या फिर अकेले। तैमूर, अकेले? जानता था तुम्हारा रिएक्शन, बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन ये भी जानता हूं कि मुल्क से बाहर सेटल करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी रकम चाहिए होती है, मुश्किल हो जाता है, और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन अभी कहाँ जा रहे हैं? फिक्र ना करो, मुल्क से बाहर नहीं जा रहा। लेकिन मुझे बता दे, मुझे फिक्र होगी। तुम इंतजार करो, मैं आकर बताता हूँ। सोच भी नहीं सकता था कि भाभी मेरे साथ ऐसा करेंगे। क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसा? ने क्या बिगाड़ा था उनका? जितनी मोहब्बत उन्होंने मुझसे की, जितना ख्याल रखा, दिखावा था। और अगर वो झूठी है तो मोहब्बत का वजूद ही नहीं है। तुम भी सरापा झूठ।